कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त गगन। आज हमारे पास है 2019 मॉडल फोर्ड फिगो, वो भी नए फेसलिफ्ट के साथ, जो नया लुक है, नए स्टाइल है। और हमको चेंजेस चाहिए थे इस गाड़ी में, और 2019 में चेंजेस होके गाड़ी में अपग्रेडेशन होके आ चुका है। चलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स कर देता हूँ, कैसे फीचर्स हैं और कैसा इसका लुक है फ्रंट का। चलिए फ्रेंड्स, ये आपकी नई फोर्ड 2019 फिगो, जिसका मॉडल है टाइटेनियम ब्लू। टॉप मॉडल के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सामने लिखा हुआ फिगो ब्लू। ये इसका नया, इसमें टाइटेनियम आपको ब्लू मिला है। तीन मॉडल्स इसमें अवेलेबल से। इधर एक पर साइड से व्यू देख लीजिए इसका, गाड़ी का यहाँ पर बेहतरीन लुक है गाड़ी का, यहाँ से आप देखने को मिल जाएगा। इधर से भी आप पीछे से भी देख लीजिए। रियर व्यू भी कुछ इस तरीके का है इस गाड़ी का। यहाँ पर आप टाइटेनियम ब्लू स्टिकरिंग की गई है। ये पीछे का लुक है इस गाड़ी का। तो इसमें तीन वेरिएंट है, एम्बिएंट टाइटेनियम एंड टाइटेनियम ब्लू। ये तीन वेरिएंट्स आपको यहाँ पर इसमें मिलेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको DRL नहीं मिलता है, कन्वेंशनल हेडलैम्प मिल जाते हैं देखने के लिए। फ्रंट का जो बम्पर है बोला जाए, इसमें आपको यहाँ पर ब्लू आउट किया गया है, ब्लैक एंड ब्लू का दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिख रहा है वाइट के ऊपर। ये आप टॉप मॉडल में आपको तीन कलर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से ये एक वाइट कलर है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ। बाकी इसके जो नीचे एम्बिएंट है, टेट मॉडल है, उसमें आपको सात कलर मिलेंगे। तो यहाँ पर अपन देखें तो मेन जो फेस लिफ्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये हनीकॉम फेस लिफ्ट है, जो कि बिल्कुल ब्लैक आउट है, स्पोर्ट्स लुक को कवर किया गया है। और यहाँ नीचे भी आपको ब्लैक मिलेगा, तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जो आपको फ्री स्टाइल्स और इसके ऊपर जो अपडेट हो चुकी थी, उसके बाद अब ये फोर्ड में जिसमें अपडेट की रिक्वायरमेंट थी, ये अपडेट हो चुकी है। और यहाँ बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फोर्ड लिखा हुआ है, लोगो लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा लुक है, फ्रंट से बहुत अच्छी दिख रही है। अगर टाइटेनियम में बात करेंगे तो यहाँ पर यही ग्रिल जो आपको क्रोम से कवर की हुई है, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर ब्लू आउट किया गया हुआ है, इसलिए इसको ब्लू किया गया है। बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर आपका कन्वेंशनल हेड लैम्प मिल जाता है देखने को। और यहाँ पर आपको इस मॉडल में टाइटेनियम ब्लू में आपको 15 इंच का लगता है, 195/55R15 का जिस ट्यूबलेस टायर है, और अपोलो टायर्स आपको मिलते हैं, जो कि पूरे आप देख सकते हैं कि ब्लैक में कवर, वाइट के नीचे ब्लैक में बहुत अच्छा लुक दे रहा है। इधर साइड से अगर हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर नीचे आपको स्टिकरिंग की हुई है ब्लैक से, ब्लैक एंड ब्लू से, बहुत अच्छा दिख रहा है, जो चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रही थी फोर्ड में। अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 170 और व्हील बेस 90 mm, जबरदस्त है नो डाउट। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो स्पोर्टी लुक को कवर करने के लिए यहाँ पर पूरा जो मिरर है आपका ब्लैक किया हुआ है। इधर से अगर हम बात करें हैंडल की, तो हैंडल में हमको यहाँ क्रोम कवर नहीं किया गया है, ये पूरा बॉडी कलर से मैच किया है। यहाँ ऊपर अगर अपन बात करें तो आपको यहाँ पर पूरा ब्लैक कॉम्बिनेशन स्पोर्टी लुक को देखते हुए बिल्कुल यहाँ आपको ब्लैक कवर किया हुआ है। 16 स्पोक का अलॉय व्हील आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका भी साइज 195/55R15 का है। अपोलो टायर्स मिलते हैं। अगर टैंक की कैपेसिटी की अगर हम बात करें, तो 42 लीटर्स का आपको पेट्रोल में मिल जाएगा और 40 लीटर्स का डीजल में मिलेगा। इसमें चेंजेस आपको मैं बता दूं, फ्रंट में तो इसके फ्रंट बम्पर चेंज हुआ था और ग्रिल चेंज हुई थी। यहाँ पीछे में आपको
भी चेंजेस मिलेंगे इसके रियर बम्पर में, जिसमें देखिए ब्लैक से कवर किया हुआ बम्पर मैंने कटिंग दी हुई है। यहाँ पर बहुत ही लुक बेहतरीन दिख रहा है। जहाँ पर नंबर प्लेट लगने वाला है वो भी ब्लैक से है, उसके ऊपर अगर आप नंबर लगाते हैं तो उभर के आएगा। इसमें आपको पीछे यहाँ पर एयर पार्किंग कैमरा लिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर फ्यू दिया हुआ है, यहाँ फोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर आप की लगा सकते हैं। यहाँ स्टीकरिंग की हुई है बिल्कुल ब्लू एंड ब्लैक से, जो कि टाइटेनियम ब्लू है, सब कन्वेंशनल टेल लाइट है। पीछे का व्यू है, डिटेल्स मैंने आपको दे दिए हैं। इधर से भी आप एक बार लुक देख लीजिए गाड़ी का। ये इसकी की है, गाड़ी को ओपन कर लेते हैं। और ये यहाँ से आप देखिए तो अंदर जो इंटीरियर है इसमें भी ब्लू किया गया है, इसीलिए इसको टाइटेनियम ब्लू किया गया है। यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पीकर दिया हुआ है, बॉर्डर रखने की स्पेस दिया हुआ है, साथ में यहाँ पर ब्लू का कवरिंग किया हुआ है। बहुत अच्छी दिख रही है, यहाँ पर अट्रैक्शन दिख रहा है, ब्लैक के ऊपर ब्लू भर के आ रहा है। यहाँ पर ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिशिंग दी हुई है, और यहाँ पर विंडो के लिए पावर विंडो दिए हुए हैं, पर आप सीट एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है इस सेगमेंट में। यहाँ से आप एक बार लुक देख लीजिए इस गाड़ी का कैसा है, मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी ब्लू दिया हुआ है, ये स्टिचिंग की हुई है ब्लू से यहाँ पर सीट में, तो अच्छी दिख रही है। तो फ्रेंड्स, ये आपका सामने का डैशबोर्ड है, एक बार पूरा लुक देख लीजिए गाड़ी का कैसा है डैशबोर्ड, आपको देखने में कैसा लग रहा है। ये बहुत ही यानी कि चेंज की रिक्वायरमेंट थी इस गाड़ी में, फाइनली चेंज होके आ गई है। तो इधर से अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो आपका तो अच्छी तरीके से जानते हैं, फोर्ड फ्री स्टाइल हो या फोर्ड इको स्पोर्ट हो, सब मॉडल में आपको लाइट यहाँ ऑन ऑफ करने का मिलेगा। ये लाइट ऑन ऑफ करने के लिए दिया हुआ है, ये फॉग लैम्प चलाने के दिया हुआ है, ये बैक खोलने के लिए दिया हुआ है। एयर वेंट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सर्कल क्रोम से कवर की हुई है, ये यहाँ पर आपको ऐसा मिलेगा लुक। और यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए, मिरर एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर हम इधर से बात करें तो इधर हमको इसको स्टार्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर आपको पुश के लिए दिया हुआ है। जनरली गाड़ी में इधर राइट रहता है, मगर इसमें जनरली आपको फोर्ड में यहाँ पर इंजन का स्टार्ट स्टॉप मिलेगा। तो हम इसको ऑन करते हैं, तो ये इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल है, कैसा आपको दिख रहा है, सेम एज इट इज़ फ्री स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, और यहाँ फ्यूल गेज देता है, और यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है ड्राइवर ओपन, दरवाजा खुला हुआ है साइड का, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, ये फ्यूल गेज के लिए दिया है। यहाँ पर साइड में पहले ऐसा था कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में इंडिकेटर दिया था, बाकी अब ऐसा है कि आपको राइट में इंडिकेटर यहाँ पर कर सकते हैं। वाइपर के लिए आपको यहाँ दिया हुआ है। फीचर्स की कुछ बात कर लें तो ये टॉप वेरिएंट है, जिसमें आपको ये ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन हो जाएगी, रेन सेंसर जो आजकल फोर्ड के हर गाड़ियों में आपको मिल रहा है वो भी आपको यहाँ फीचर्स मिलेंगे। मिरर है, IRBM आपको जो है वो भी इसमें फीचर्स मिले हैं। और इधर से इसके बारे में तो मैंने आपको डिटेल दी दी है, ये आपका टाइटेनियम ब्लू मॉडल है, जिसमें आपको यहाँ पर 6 एयर बैग्स मिलते हैं, जो आपके टाइटेनियम और एम्बियन मॉडल है उसमें आपको 2 एयर बैग मिलेंगे। और यहाँ पर आपको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ वॉल्यूम, नेक्स्ट कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ हैंडल में। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो साइड हमको क्रोम सर्कल में मिला, कवर किया हुआ था, यहाँ पर हमको पियानो ब्लैक जो है पूरा डैशबोर्ड में यहाँ सामने कवर किया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसके फीचर्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर जो एयर वेंट है वहाँ सर्कल दिया हुआ था, और ये वर्टिक में दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर आपको ट्यून करने के लिए दिया है, यहाँ रीसेट का बटन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है, ये होम जाने के दिया है, वाईफाई, ब्लूटूथ स्कैन, फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं और ये ऑफ कर सकते हैं डिस्प्ले को। तो ये इसका डिस्प्ले है, जिसमें ऑडियो, फ़ोन, नेविगेशन, रेडियो सेटिंग, ये आपका दिया 7 इंच का डिस्प्ले है, बहुत अच्छा है, स्मॉल है, बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ दिया हुआ है। यहाँ अगर ग्लो बॉक्स की बात करें तो अच्छा स्पेस है, थोड़ा डीप है मगर बेहतरीन है। तो ये इसका यहाँ का व्यू हो गया। अगर यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर मिरर मिल जाता है कंडक्टर साइड में, और ये इसका यहाँ पर आपको ऑन ऑफ करने के लिए लाइट दिया हुआ है। यहाँ पर ड्राइवर साइड में भी आपको हमको मिरर दिया हुआ है। तो दैट्स अ लुक। बात करें तो एसी, ये ऑटोमेटिक आपको पैनल दिया हुआ है एसी के लिए, जो ऑटोमेटिक है, बाकी में मैनुअल दिया हुआ है। ये यहाँ पर आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ कुछ स्पेस दिया है, आप यहाँ सामान रख सकते हैं। इसके अगर नीचे बात करें तो हमको यहाँ 12 वाट का चार्जर
और यहाँ ऑक्स और यूएसबी का दिया हुआ है और ये मैनुअल, तो इसमें आपको 5 गियर हैं। और इधर का लुक देख लें तो यहाँ पर आपको कुछ स्पेस दिया हुआ है, ये आपका हैंड ब्रेक है, 2 ग्लास होल्डर्स दिए हुए हैं, यहाँ तीसरा एक और होल्डर दिया हुआ है, दैट्स सफिशेंट। तो ये सामने का व्यू तो मैंने आपको कवर कर दिया है, कुछ बचा होगा तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आ जाएंगे। फ्रेंड्स अपन चलते हैं पीछे, पीछे की बात करते हैं और पीछे से मैं आपको स्पेस बताता हूँ कि कैसा है। जैसे भी बात करें तो यहाँ स्पीकर मिलेगा, यहाँ आपको कप होल्डर, यहाँ कुछ आपको कवर करने को नहीं मिला है, यहाँ पर आपको ब्लू से कवर किया हुआ है, यहाँ पर पावर विंडो है, यहाँ क्रोम की फिनिशिंग दी हुई है। सो दैट्स पीछे का ये आपका लुक है, यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अंदर बैठ के अपन इसमें बात करते हैं। मैं अगर अपनी हाइट की बात करूँ तो मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच की है और आप स्पेस आप यहाँ देख लीजिए, लगभग बहुत ही स्पेस है मेरे हिसाब से, स्पेसियस गाड़ी है, लेंथ में भी सेगमेंट में ये अपनी अच्छी है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हेडरेस्ट भी आप देख लीजिए सफिशिएंट है, कंफर्ट है गाड़ी में, यहाँ आपको पीछे रेस्ट दिया हुआ है, हेडरेस्ट दिया हुआ है, यहाँ रख सकते हैं, इसमें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे अगर यहाँ पर फ्रंट में अगर कोई बैठा हुआ है ड्राइवर साइड में, मैं बहुत पीछे करके गाड़ी चलाता हूँ जनरली, तो इस सीट को आप देख सकते हैं कि ये कितनी यानी पीछे है, फिर भी मेरे को स्पेस यहाँ लेग स्पेस मिल रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इतनी ज़्यादा। अगर यहाँ पर मैं इस साइड बात, अगर यहाँ सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई हैंड रेस्ट नहीं मिलता है, ये सिंपल है, 3 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ देखिए कितना स्पेस है, यहाँ पर अपने पास बहुत स्पेस मिल जाता है, लगभग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कंफर्ट है गाड़ी, नो डाउट। 6 एयर बैग्स आपको इस यहाँ पर मिल जाते हैं, यहाँ पर सब 6 एयर बैग्स लगे हुए हैं। तो ये इसका यहाँ का लुक है इस गाड़ी का, तो ये पीछे का लुक है। यहाँ अगर बूट स्पेस की बात करते हैं तो अपने को 257 का बूट स्पेस मिलता है, 2 बड़े बड़े बैग यहाँ पर आपके आ जाएंगे, स्पेस बहुत है। तो ये पीछे का लुक है, इंजन की अब बात करनी बची है और प्राइस के बारे में बात करनी बची है, जिसके डिटेल्स मैं आपको देता हूँ। ये इसका इंजन है, इसके बारे में जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, 1.2 पेट्रोल में और 1.5 ऑटोमेटिक मिलता है, और डीजल में 1.5 लीटर जो इको स्पोर्ट और आपको बाकी गाड़ियों में मिलता है। अगर यहीं पर हम इसके पावर की बात करें तो 1.2 लीटर जो ड्रैगन इंजन है, अगर पेट्रोल में बात करें तो 96 PHP पैदा करती है, 120 Nm का इस गाड़ी का टॉर्क है। और अगर वहीं हम बात करते हैं 1.5 ऑटोमेटिक जो 6 स्पीड के साथ आती है, तो उसका आपको पावर 123 PHP पैदा करती है, 150 Nm का इस गाड़ी का टॉर्क है। वहीं हम अगर डीजल की बात करते हैं 1.5 का, तो 213 का टॉर्क। सो ये इसका इंजन है। अगर हम बात करें प्राइस की, तो स्टार्टिंग जो है एम्बियंट का, अगर प्राइस की बात करें 5,15,000 इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है। अगर ओल्ड प्राइस से बात करें तो ओल्ड प्राइस 67,000 कम रेट में ये लॉन्च हुई है फिर से 2019, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम दूसरी गाड़ी से भी कंपेयर करेंगे, मगर आपको यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि जो ये टॉप एंड की अगर हम बात करें तो 846 की आपको मिलेगी टॉप एंड मॉडल पेट्रोल में। डीजल जो है स्टार्ट रहेगी एम्बियन 5.95 से स्टार्टिंग है उसकी, और आपको जो टॉप एंड मॉडल है वो 7.74 आपको जाएगी। अगर हम कंपेयर करते हैं स्विफ्ट से इस गाड़ी का, तो ऐसा है कि जो एम्बियन मॉडल है यहाँ स्टार्टिंग आपको 5,15,000 में मिलती है, तो वहीं वो 4,99,000 है। और फीचर्स तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको स्विफ्ट में क्या मिल रहा है। अगर वहीं बात करें हम टाइटेनियम की, तो उसके एक शोरूम प्राइस जो इस गाड़ी की है 6,39,000 है, और वहीं अगर हम ZXi की उसके बात करें तो आपको 6,58,300 की है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप फीचर्स को देखिए, क्वालिटी को देखिए, तो ये ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। अगर वहीं डीजल की बात करें एम्बियंट में 5,95,000 से स्टार्टिंग है, और यहीं पर अगर उसके डीजल की बात करें हम स्विफ्ट की 1.3 लीटर की, तो वो आपको 5 लाख यानी 6 लाख की पड़ती है। यहाँ पर आपको और ये है कि 5 ईयर्स वारंटी और 1 लाख किलोमीटर कवर किया जाता है, तो ये आपकी फोर्ड फीगो है, इसका डिटेल्स मैंने आपको दे दिया है। सो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको 2019 मॉडल फोर्ड फीगो जो नए फेसलिफ्ट के साथ आई थी, इस शोरूम में आपको देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू सीमेंट फोर्ड्स, और डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगे, प्राइस की बात मैंने आपको डिटेल्स दे दी है, और कुछ बचा हुआ है डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे। शेयर और कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स।